Hey guys, welcome back to my channel Indian Luck Badal Upreti. Guys, जब से मैंने इस YouTube चैनल स्टार्ट किया तब से मुझे मैसेज आते रहे. मैंने इसके ऊपर कभी वीडियो बनाना सही नहीं समझा. मुझे लगा कि शायद ये कॉमन टॉपिक होगा, बट अब मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि वाकई में ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई लोगों को कहते हैं ना, रास्ते से भटकाता है. ये ऐसा टॉपिक है. मैं आज बात करने वाला हूं कि गेनर से क्या वेट गेन होता है. बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर गेनर लेना है, कौन सा गेनर लूं, मेरे को वेट गेन करना है. उनका कहने का मतलब होता है कि मसल्स गेन करना है, कौन सा गेनर लूं. तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि गेनर का क्या रोल है बॉडी के अंदर, गेनर क्यों लेते हैं या क्यों लेना चाहिए या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं. लेकिन गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भैया इसमें एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसको फटाक से जो है क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई इतना अच्छा अच्छा नॉलेज आपको देता है तो आपका भी कुछ ना कुछ फर्ज बनता है हमारे लिए भी. तो इसमें एक सब्सक्राइब बटन है, उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को खूब सारा ढेर प्यार दे दीजिए, शेयर कर दीजिए. अब आते हैं टॉपिक पे. नो बकवास, सीधी बात. तो बात ऐसी है भैया कि कई लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर गेनर कौन सा लेना चाहिए या गेनर कौन सा अच्छा है जिससे मुझे मसल्स मेरा गेन हो जाए. बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो थिन होते हैं, बिल्कुल पतले से होते हैं. अगर बॉडी में मसल्स गेन पुट ऑन करना है, अगर मसल्स बॉडी के अंदर बढ़ाना है, तो दो चार चीज़ें मैं आपको बताऊँगा. सिंपल सी लॉजिक, इसमें ऐसा कुछ है नहीं. दो चार चीज़ें हैं जो मैं आपको डिफाइन करूँगा कि देखिए बॉडी में मसल्स कैसे बनता है. बॉडी में मसल्स बनता है प्रोटीन डाइट से. प्रोटीन एक ऐसा सोर्सेस है जो बॉडी में मसल्स को बिल्ड करना स्टार्ट करता है. अब प्रोटीन के साथ कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो इंक्रीज होना चाहिए बॉडी का. अगर बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होगा तो बॉडी की कंजप्शन बढ़ जाएगी प्रोटीन की, मसल जल्दी बिल्ड होगा, ऑक्सीजन रिटेन होना चाहिए, नाइट्रोजन जितना रिटेन होगा उतना ऑक्सीजन रिटेन होगा. तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके लिए हम सप्लीमेंट्स या फिर कई चीज़ें ऐसी लेते हैं जो बॉडी में इस चीज़ की क्वांटिटी जो है बढ़ा देते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है हम जो भी खाना खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट नहीं होता, हमारी जो है एनर्जी में और मसल्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो उसके लिए हम ऐसी सारी चीज़ें चलाते हैं. बट आप बात कर रहे हैं यहाँ पर मसल्स गेन की और बात कर रहे हैं आप गेनर की. तो देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, वैसे कई लोग मुझे गाली देते हैं, मुझे वो लोग गाली देते हैं जिनकी दुकान मैंने बंद करा दी है. कई लोग ऐसे होते हैं कि अभी मैं उसके ऊपर भी आऊँगा कि कैसे कैसे लोग आजकल धंधा कर रहे हैं, कैसे कैसे बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं. मैं जब इंडस्ट्री को स्टार्ट किया तो मुझे भी, हमारे भी कई ऐसे गुरुजी थे जो कहते थे बेटा दही चावल खाओ बॉडी बन जाएगी, सब्जियां खाओ बॉडी बन जाएगी, सब्जियां खा के दही चावल खा के ऐसी. मुझे आप एक चीज़ बताइए गाइस कि दही चावल में ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र विष्णु का जो कि बॉडी में जाते ही जो है मसल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. कुछ नहीं है. बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होता है, मसल्स गेन के लिए रिक्वायरमेंट होता है प्रोटीन का. अब अगर आप मार्केट के अंदर प्रोटीन लेने जाते हो तो प्रोटीन में आपको प्रोटीन आएगा 4 से 4,500 का, एक वे आइसो की बात कर रहा हूं मैं. वे प्रोटीन तो और सस्ता है, वे आइसो कम से कम 4 से 4,500 से नीचे आता ही नहीं है, इंपोर्टेड हो या चाहे इंडियन भी लगभग 4,000 के करीबन आता है. अब कई ऐसी कंपनियां हैं जो ये दावा करती हैं कि, या फिर ये दावा कर रही हैं कि अगर आपने हमारा गेनर खाया तो 1 महीने में 10 किलो मसल्स मास आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा. भैया ऐसा क्या डाल दिया आपने उसमें? आपने शिवजी का वो क्या होता है, शिवजी का वो जिसको घोट के पीते हैं, क्या वो डाल दिया क्या शिवजी का उसमें जो बॉडी में जाके जो है मसल्स में कन्वर्ट हो जाएगा? ऐसा तो कुछ है नहीं उसके अंदर. आप उसको अगर पढ़ोगे तो उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तो उसमें कार्ब्स इतना ज़्यादा पड़ा होता है, इतना ज़्यादा उसके अंदर फैट कार्ब्स और इतनी सारी चीज़ें होती है कि अगर आप गेनर खाते हो तो आपकी बॉडी टोटली आउट ऑफ शेप हो जाएगी. कौन चाहेगा बंदा जिसकी बॉडी आउट ऑफ शेप हो जाए? कोरोना ने क्या कम वाट लगा रखी है बॉडी की? क्या लॉकडाउन ने कम वाट लगा रखी है बॉडी की कि जो आउट ऑफ शेप नहीं? आधे से ज़्यादा 90% लोग आउट ऑफ शेप हो चुके हैं इस लॉकडाउन में. खाना सोना पीना बस यही काम है और कुछ काम ही नहीं है. तो लोगों की हालत वैसी ही ख़राब है भैया. आप ऊपर से गेनर दे रहे हो, उनको बोलते हो कि घर में बैठो खाओ गेनर और फूल जाओ, और बड़े बड़े दावे करते हो. आप प्रोटीन देते हो 4,500 का, गेनर देते हो 2,500 का, 4,500 में तो पूरा कट्टा आ जाता है. तो आपने ऐसा क्या डाल दिया गेनर के अंदर?
और अगर गेनर में इतनी अच्छी क्वालिटी है तो आप प्रोटीन से महंगा क्यों नहीं बेचते उसको, वो सस्ता क्यों बेचते हो? तो गाइस ये सब बेकूफ बनाओ कंपनी है, ये सी बनाओ कंपनी है बहुत बड़ी, जो कंफ्यूज करने के लिए जो है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, जनरेशन को कंफ्यूज करने के लिए जो है इन्होंने ये अलग अलग प्रोडक्ट निकाले हैं कि भाई ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। प्रोटीन में ही चार पांच वैरायटी निकाल दी कि ये खाओगे तो ऐसा हो जाएगा। भाई कुछ नहीं है, प्रोटीन एक ही होता है, प्रोटीन दो तीन प्रोटीन डिफरेंसेस थोड़ा बहुत होता है। कार्ब्स जब सेडेट करना होता है बॉडी को तो कार्ब्स बॉडी के अंदर बगैर कार्ब्स वाला प्रोटीन आइसो टाइप का प्रोटीन लेना होता है, आइसो प्रोटीन लो, वो रिक्वायरमेंट होता है। जब गेन कर रहे हो तो वे आइसो भी ले सकते हो, वे भी ले सकते हो, कब डिपेंड करता है आपकी बॉडी के ऊपर कि आप प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये तो बात हो गई थी गेनर की कि गेनर से 10 किलो मसल मास। मैंने पहले माइड्रोल के ऊपर वीडियो बनाई थी, माइड्रोल 4,500-3,000 तक का आ जाता है एक, वो एक महीने में 4-5 किलो मसल्स मास बॉडी के अंदर पुट ऑन कर देता है, 4-5 किलो मसल्स मास बढ़ा देता है और स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा देगा। लेकिन आपको पता है उसके अंदर क्या है? वो स्टेरॉयड का भी बाप है, FDA से अप्रूव्ड नहीं है वो, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ही नहीं लिखे हुए, इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके पता ही नहीं है, तो उसके अंदर ऐसा क्या? दूसरी बात, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है उसके अंदर कि 40 दिन उस साइकिल को चलाना है, 40 दिन माइड्रोल की साइकिल चलानी है, उसके बाद उसको ड्रॉप करनी है। क्यों भाई? अगर सप्लीमेंट है तो ड्रॉप क्यों करना है? प्रोटीन तो हम कभी ड्रॉप करते नहीं है, ऐसा क्या है उसमें? फिर उसको ड्रॉप करने के बाद फिर उसको चलाना है। जब आप 4,500 में पूरी बॉडी में 5 किलो मसल्स मास बॉडी के अंदर एक महीने में गेन कर रहे हो तो सब लोग उसी को लेंगे ना। फिर वो बेकूफ है लोग जो 10,000-15,000 की साइकिल चलाते हैं, दुनिया भर के बॉडी में इंजेक्टेबल डालते हैं, दुनिया भर की बॉडी में स्टेरॉयड वगैरह डालते हैं या फिर सप्लीमेंट खाते हैं, वो बेकूफ है। सप्लीमेंट खाना बंद करो, माइड्रोल ही चला लो, उससे ही बॉडी बन जाएगी। तो ये सिर्फ समझने की बात है कि आपने इस चीज़ को डिफाइन करना है कि क्या सही है क्या नहीं गलत। अभी मुजफ्फरनगर का देख लो आप, 9 करोड़ से भी ज़्यादा का माल जो है पकड़ा गया, आपने देख लिया होगा। नकली माल बेचने वाले इतने महान आत्मा हैं, उनको किसी की जान से कोई मतलब नहीं है। अब आप बोलते हो सर, बादल सर आप स्टेरॉयड की बात करते हो, आप स्टेरॉयड को प्रमोट करते हो। भाई आप लोगों को पता है कि मैं स्टेरॉयड को प्रमोट नहीं करता हूँ, अब मुझे कौन क्या बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ उसकी नॉलेज देता हूँ। मैं वो काम तो नहीं कर रहा हूँ 9 लाख का किसी को, बच्चों को बर्बाद कर दिया, पता नहीं कितनों की किडनी उड़ा दी, कितनों के लीवर उड़ा दिए, ऐसे बंदों के साथ क्या करना चाहिए आप मुझे बताइए। मुझे आप बोलोगे कि सर आप स्टेरॉयड की नॉलेज देना बंद कर दो, मैं तो बंद कर दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बंद कर दूंगा, मैं अपना चैनल ही बंद कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। मेरे पास अगर मेरे को चैनल ही चलाना होगा, आप लोगों से प्यार होगा या आप लोगों का प्यार मुझसे जुड़ा होगा तो मेरा इंस्टाग्राम है, मैं दूसरा चैनल बना के कुछ भी, कॉमेडी चैनल है कुछ भी, मेरे को बहुत सारा, मैं यार मेरे अंदर नॉलेज है, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं कुछ भी बना सकता हूँ, जरूरी थोड़ी मैं फिटनेस का ही बनाऊंगा। बट माई कंसर्न इज दैट ओनली कि मैं कभी भी आपको गलत नॉलेज नहीं दूंगा, और मैं कभी भी कहता हूं कि कभी भी कोई चीज चलाने से पहले उसके बारे में पहले डिटेल्स में लो कि ये चीज सही है या नहीं है, पहले उसके साइड इफेक्ट तो पता करो कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो इतना जल्दी बॉडी के। सांस की बात करते हैं लोग कि सांस से, अगर सांस इतना अच्छा होता उससे नुकसान नहीं होता तो लोग बेवकूफ हैं जो स्टेरॉयड चलाते हैं, वो सांस ही चला लेते। भाई सांस मैंने चला रखा है, ऐसा बात नहीं है, सांस लीन गेनिंग का उसका नाम रहता है, खाली लीन गेन नहीं करता है वो, करेगा नहीं वो चीज़, वो क्वालिटी नहीं देगा जो क्वालिटी आपका एनाबॉलिक देता है। तो बात घूम फिर के वहीं आती है कि ऐसा क्या ब्रह्मास्त्र डाल दिया गेनर के अंदर। अब आप मुझे बोलते हो सर गेनर कौन सा लूँ? भाई कोई गेनर नहीं, मेरे इतने क्लाइंट हैं ऑनलाइन के, आप यकीन नहीं करोगे गाइस, 150 से ऊपर होंगे मेरे पास बंदे अभी। मैं किसी को भी आज तक गेनर सजेस्ट नहीं करा, चाहे कोई कितना भी पतला। अब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे भी मैं डालता हूँ, मैंने यूट्यूब पे भी डाली हुई है बहुत सारी, बिल्कुल ऐसे सूखे हुए लड़के, बिल्कुल एकदम जो बिल्कुल एकदम छिलके की तरह, उनको भी मैंने तकड़ा किया है, 4-5 किलो मसल मास उनका जो है बढ़ाया बॉडी के अंदर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बॉडी में मसल्स मास पुट ऑन करेगी। आपने वेट गेन नहीं करना है, मसल्स गेन करना है। आपने वेट गेन का मतलब होता है पेट गेन करना। आप लोगों को मैं समझा के परेशान हो चुका हूं कि भाई वेट गेन और पेट गेन दोनों में अंतर है। वेट गेन का मतलब होता है मसल्स गेन करना है, पेट गेन नहीं करना है। आप पेट लेके मटका जैसा पेट लेके बैठ गए, गेनर खा लिया, फूल गए ऐसे कबूतर की तरह, आपका मुंह इतना बड़ा हो गया। कोई फायदा नहीं है।
मुंह फुलाना नहीं है। अब मेरी आप मुझे मुझे देखिए, हो सकता है देखो जब हम गेन करते हैं तो थोड़ी सी ब्लोटिंग आ जाती है, एब्स थोड़ा सा कम दिखते हैं, ये सभी जानते हैं, जो जिसको एक्सपीरियंस है वो ये सब जानता है। ब्लोटिंग हो जाती है कभी, जो है बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, या कभी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, या पेट साफ नहीं होता, तो इस रीजन से कई बार क्या होता है ब्लोटिंग से हो जाती है, पेट बाहर दिखता है। बट वैसे आपके सामने जो है एब्स क्लियर होंगे हमेशा। तो मैं मसल्स गेन कर रहा हूँ, आपको लग रहा है मेरे गाल फूले हुए ऐसे, मैं कभी गेनर नहीं खाया मैंने। अभी जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने गेनर खाया था, आप यकीन नहीं करोगे मेरी बॉडी की शेप ही चेंज हो गई। उस दिन से मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं गेनर कभी नहीं खाऊंगा। उसको ख़त्म करते करते मेरी बॉडी की शेप ही चेंज हो गई पूरी, वो आउट ऑफ शेप कर देगा आपको। मसल्स तो आपका, आप सोचोगे वाह मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरा वेट बढ़ रहा है, भाई जब उसको छोड़ोगे तो वेट वहीं का वहीं आ जाएगा आपका, और फैट बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर। और तो गाइस ये है डिफ्रेशन, ये है डेफिनेशन आपके गेनर की। अब आपका कॉल है, आपको लेना है या नहीं लेना है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गई होगी मेरी वीडियो में क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें एक लाइक बटन है, बेल आइकन है, उसको भी सेट कर दीजिए, सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट अपडेट होगी आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।